दोस्तों, इस धरती पर आज ना जाने कितनी ही प्रजातियां अपने डेरा जमाए बैठी हैं, लेकिन बाकी प्रजातियां जहां आज भी छीनाचपटी कर खाने तक ही सीमित है, वहीं इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो ना सिर्फ अच्छे से रह रहा है बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन तलाश रहा है। लेकिन हम सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि इंसान धरती पर आया कैसे, और क्या सच में हमारे पूर्वज आदिमानव थे? अगर हाँ तो ये सफर कितना लंबा रहा? कैसे हम आदिमानव से इंसान बने? आखिर क्या है हमारे पूर्वज यानी आदिमानवों का इतिहास? आज हम आपके सामने ये पूरी गुत्थी सुलझाने वाले हैं। आप बस हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी वीडियो से जुड़े अपने सवाल भी कॉमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आदिमानव का इतिहास कैसा था, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी पर इंसानों का जन्म हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ तो डायनासोर्स रहा करते थे, तो फिर आदिमानव आए कहाँ से? दोस्तों, ये बात है आज से लगभग 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ साल पहले की। उस दौर में हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स का बसेरा हुआ करता था, लेकिन अब डायनासोर्स से दूर इंसानों को अपना बसेरा बनाना था। शायद नीति पहले ही सब कुछ लिख चुकी थी, इसलिए एक एस्ट्रॉयड लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से आ टकराया। ये एस्ट्रॉयड इतनी तेजी से पृथ्वी से टकराया कि सब कुछ तबाह हो गया। देखते ही देखते पृथ्वी आग का गोला बन गई और डायनासोर्स का अस्तित्व खत्म हो गया। सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं, इस महाप्रलय में लगभग 90% जीवों की प्रजातियों ने दम तोड़ दिया। सिर्फ 10% ही जीव इस धरती पर बचे। इनमें भी सिर्फ वही जीव बचे जो 30 किलोग्राम से कम वजन के थे। डायनासोर्स का अंत एक नए जीवन की शुरुआत थी। अब धरती पर मैमल्स की प्रजाति ने फिर से जीवन शुरू किया। जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के बाद अब धरती नॉर्मल हो रही थी, फिर से हरियाली आ रही थी। धीरे धीरे धरती पर बचे जीवों में एडप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई और नई प्रजातियां जो पहले से बड़ी थीं उनका जन्म हुआ। आज से लगभग 5.5 लाख साल पहले इओसिन इपोक में बंदरों की प्रजाति ने धरती पर कदम रखा। ये संकेत था कि अब धरती पर वो प्रजाति दस्तक देने वाली है जो सदियों तक अपने तेज दिमाग के लिए पहचानी जाएगी। बंदरों की इस प्रजाति में एक जरूरी बदलाव देखने को मिला। दरअसल इससे पहले हमारे सामने जितनी भी बंदरों की प्रजातियां थी वो सभी चारों पैरों पर चलते थी, लेकिन इन बंदरों की स्पाइनल कोर को दिमाग से जोड़ने वाला जो होल, जिसे आप फोरमेन मैगन कहते हैं, वो शिफ्ट होते होते सेंटर तक पहुंच गया। इससे हुआ यूं कि ये पहली प्रजाति बनी जो सीधे चलने में कैपेबल थी, लेकिन अभी ये अपने शरीर में हुए इस बदलाव को पहचान नहीं पाए थे, इसलिए ये ज्यादातर मस्ती में पेड़ों पर झूमने के लिए या यूं ही कभी गलती से सीधे खड़े होते, जबकि शिकार आदि के लिए ये भी बाकी बंदरों की प्रजातियों की तरह अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे पृथ्वी अपना रुख बदल रही थी। अब वो सभी हलचलें होनी शुरू हो गठन थी जो हमें फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी होने वाली थी। ये बात है आज से लगभग 4.7 हजार साल पहले की, जब पृथ्वी के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए। इन बदलावों के चलते धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और हमें वो भाग मिला जहां आज हम भारतीय रहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल की वजह से इंडिया एशिया महाद्वीप की तरफ बढ़ने लगा, और जब इन दोनों का टकरार हुआ तो हमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी हिमालय पर्वतमाला मिली। अब ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि हिमालय मतलब जीवन का नया आधार एक तरह से शुरू हो चुका था। हिमालय पर्वत श्रेणी की वजह से हुआ ये कि हवाओं ने अपना रुख दिल लिया। हवाओं के रुख बदलने से हुआ ये कि बर्फ जो थी वो पिघलने लगी और पिघलकर गिरने लगी। पिघलती बर्फ आने वाले समय में विशाल नदियों के रूप में निकल कर आई। आज से लगभग 2 से 3 करोड़ साल पहले ओलिगोसिल इपोक में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इस समय में बड़े बड़े पेड़ों की संख्या घास के मैदानों ने ले ली। इसे ग्लोबल कूलिंग कहा गया। अब धरती पर ऐसे जीवों ने जन्म लिया जो खुले मैदानों में रह सकते थे। यहीं से हमें बिग कैट्स जैसे शिकारी जानवर भी मिले जो दूसरों को मारकर खाने में सक्षम थे, और हमारे पूर्वजों की झलक भी देखने को मिली। लगभग 1 करोड़ साल पहले तक धरती पूरी तरह से वो रूप ले चुकी थी जिसमें इंसान बस सकता था। आज जैसे पृथ्वी को हम देखते हैं वैसा रूप 1 करोड़ साल पहले तक लगभग तैयार हो चुका था।
सभी महाद्वीप भी अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। लगभग 40 साल पहले हमारी पृथ्वी में फिर से हलचल हुई। टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रृंखला ने यहाँ के जंगलों को हवा और पानी से दूर कर दिया, जिस वजह से यहाँ के घने जंगल सूखे मैदानों में तब्दील होने लगे, जो कि यहाँ रहने वाले एप्स के लिए खतरा था। ये एप्स हमारे दूर के पूर्वज हैं, जो वजनी थे। इन्हें पेरोला पैथेकस या पेरोला कहा जाता है। ये पेड़ पर रहना और फल खाना पसंद करते थे। सबसे पहले दो पैरों पर चलना भी इन्होंने ही शुरू किया था। ये अपना शिकार और शिकार से सुरक्षा दोनों ही दोनों पैरों पर चलकर किया करते थे। बाद में जलवायु के हिसाब से द ग्रेट एप्स का डिवाइडेशन हो गया। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला बने तो कुछ इंसान। जी हाँ, यहीं से मिले हमें हमारे पूर्वज। वो पूर्वज जिनमें समय समय पर हुआ बदलाव आधुनिक मानव का रूप है। इस समय तक बर्फ अपने शुमार पर थी, लेकिन आदिमानवों ने डटकर हर परिस्थिति का सामना किया और अब तक वो साइबेरिया तक जा पहुंचा। समय के बढ़ने के साथ साथ इंसानों में विकास रफ्तार पकड़ती गई। अब तक इंसान बर्फीले इलाके के साथ साथ सूखे मैदान, ऊंची पहाड़ियों से लेकर घास के मैदान हर जगह पहुंच गया और इंसानी बस्तियों को जन्म दिया। अब तक इंसानों ने खाने की तलाश में खेती और पशुपालन भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इंसानी बस्तियां कस्बों और कस्बों से कॉलोनियों में बसती गई। पशुपालन से दूर अब तरह तरह के व्यापार को इंसान जन्म दे चुका था। धीरे धीरे इंसानों ने विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में गति की। इसी विज्ञान और तकनीक की मदद से आज इंसान चांद पर भी जा पहुंचा है। सिर्फ चांद पर ही नहीं, दूसरे प्लेनेट्स पर जीवन बसाने की भी सोच रहा है, ताकि फिर से कोई एस्ट्रॉयड हमारी इस खूबसूरत दुनिया को बेरंग ना कर सके। तो इस तरह आदिमानवों यानी हमारे पूर्वजों ने संघर्ष कर आज हमें उस मुकाम तक पहुंचाया कि हमें खा सके, खेल सके और एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो दोस्तों, ये था आदिमानव और इंसान दोनों का इतिहास। हमारे पूर्वजों ने कच्चा मांस खाया, उसके बाद हथियारों का आविष्कार किया, गुफाओं में रहे, आग का आविष्कार किया और धीरे धीरे उनका दिमाग इतना विकसित हो गया कि वो आधुनिक मानव बन गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए, खुश रहिए और एक ही लाइफ है, जमकर एंजॉय कीजिए।